नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। आप सभी को जानकारी दे दे, झारखंड की सियासी राजनीति में इन दिनों जो बवाल मचा है उसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन का इस्तीफा देखने को मिलेगा, क्या सीएम पद से उनकी विदाई देखने को मिलेगी, या किसी नए चेहरे की सीएम पद पर एंट्री, इस बात को लेकर कयासों का बाजार काफी गर्म है। लेकिन जानकारी दे दें, झारखंड में कुल 8 विधायकों की विधानसभा सदस्यता इस समय खतरे में है। इनमें झामुमो के 3 विधायक यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी, विधायक समरी लाल तथा कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी और विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी व राजेश कच्छप शामिल है। यानी कि अकेले झामुमो के नेताओं पर ही ये गाज नहीं गिर रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी फंसते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जिन दो विधायकों की बारी है उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी व समरी लाल शामिल हैं। इसके बाद बसंत और इरफान अंसारी का नाम है। नमन विक्सल और साथ साथ कोनगाड़ी व राजेश कच्छप की बारी आने की संभावना है। हेमंत सोरेन के बारे में भारत निर्वाचन आयोग अपना मंतव्य झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज चुका है। राज्यपाल ने पिछले दिनों कहा था कि चंद रोज में वह चुनाव आयोग के फैसले से हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करा देंगे। इस बीच वह इलाज के लिए दिल्ली चले गए थे, अब वह झारखंड आ गए हैं। कभी भी फैसला सार्वजनिक कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए गुरुवार को राजभवन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। यह आशंका बनी भी है कि फैसला सार्वजनिक होने के बाद कहीं झामुमो कार्यकर्ता सड़क पर न उतर जाएं, क्योंकि बात हेमंत सोरेन की है। उधर इस विधानसभा स्पीकर भी फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही ये फैसला आएगा भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी के बारे में भी फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि स्पीकर न्यायाधिकरण ने बाबूलाल मरांडी की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। यह माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के बाद बाबूलाल मरांडी के बारे में भी फैसला सुनाकर हिसाब बराबर करने की कोशिश होगी। बाबूलाल मरांडी पर आरोप है कि उन्होंने झाविमो के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीतने के बाद बिना प्रतिक्रिया का पालन किए भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि भाजपा विधायक समरी लाल की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने उनसे 15 दिनों में जवाब मांगा है। इस संबंध में सुरेश बेठा की ओर से स्पीकर को आवेदन दिया गया था। स्पीकर ने और आवेदन को राज्यपाल रमेश बैस को अग्रेषित करते हुए कहा कि इस पर कार्रवाई की जा सकती है, जिस पर राज्यपाल ने इस आवेदन पर निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा था। उसके बाद चुनाव आयोग ने समरी लाल को नोटिस जारी किया था। बता दें कि समरी लाल पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप साबित हो चुका है। सरकार उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर चुकी है। सरकार ने इसके फैसले के लिए बकायदा एक जाँच समिति बनाई थी। उस समय कहीं ना कहीं उस समिति ने यह पाया कि प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनाया गया है। इतना ही नहीं, दूसरे राज्य के होने के नाते उन्हें झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। ऐसे में अब चुनाव आयोग इनकी सदस्यता पर फैसला सुना सकता है। तो जानकारी ये भी सामने आई कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्स कोनगाड़ी और राजेश कच्छप सामने मामले की सुनवाई स्पीकर न्यायाधिकरण में चल रही है। विधायकों ने स्पीकर से 8 हफ्ते का समय मांग रखा है, लेकिन शिकायतकर्ता कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के वकील ने इस मामले की शीघ्र सुनवाई और फैसले की मांग रखी है। इन विधायकों पर आरोप है कि भाजपा के साथ मिलकर दल बदल करने वाले थे। हेमंत सरकार ने कहीं ना कहीं हेमंत सरकार गिराने की साजिश रची थी। तीनों नकद रुपए के साथ कोलकाता में गिरफ्तार भी किए गए थे। अब देखते हैं इस मामले पर क्या बड़ी कार्रवाई होती है, क्या बड़े खुलासे होते हैं, लेकिन इंतजार रहेगा राज्यपाल के फैसलों का। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट।